ऐसे टॉप बहुत कम हैं जहां से मैदान और हिमालय दोनों दिखाई देते हैं। दोस्तों, जब भी गांव के वीडियो आपको हम दिखाते थे या हमारे साथ आप गांव की सैर पर चलते थे तो आपके कमेंट हर बार आते थे कि आप गांव में रहने की जो व्यवस्था है उसके बारे में नहीं बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और कैंप क्राफ्ट से सूपी गांव का जो कैंप क्राफ्ट है उसमें आपको हम दिखाते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। और आज एक बेहतरीन जंगल ट्रैक होते हुए हम जाएंगे थकुड़ टॉप। हम इस समय बर्मा ब्रिज पे हैं, हमारे साथ ही जो गाइड हैं। सर, पूरा नाम आपका? कृष्णा बिस्ट। कृष्णा जी हमें बर्मा ब्रिज पे ले जाएंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे तो बिल्कुल आगे हम एक्टिविटी दिखाएंगे आपको। मुगली वॉक है करके भी दिखाएंगे। हाँ। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका पैरेलल रोप 3rd नंबर पे, और 4th नंबर पे है आपका स्विंगिंग ब्रिज, जिसको हम स्विंगिंग ब्रिज बोलते हैं। तो उसके बाद और आगे जाएंगे तो उसके बाद लेडर ब्रिज है, तो वहाँ पे एंड हो जाती है एक्टिविटी। चलिए तो शुरू करें। बिल्कुल सर, तो चलिए हमारे साथ पहले बर्मा ब्रिज पे। आपका सामने की तरफ, तो आपने पैरों को ऐसे ड्रैग करना है इसके ऊपर, ठीक है? उठा के नहीं रखने ऐसे, तो आपने ड्रैग करना है, ठीक है? ये ऐसे, ये सिंपल है बहुत, सिर्फ ड्रैग करना है आपने पैरों को ऐसे। ज़्यादा ऊंचा तो नहीं हो रहा है ये? नहीं, ठीक है, बनाई उस हिसाब से आपको थोड़ा कम्फर्टेबल ही लगेगा। हाथ पैर तो दोनों पहुँच जाएंगे आराम से। कृष्णा भाई, पूरा कर लिया आपने ये वाला? बिल्कुल, ये पूरा कर लिया है। इसको हम वैसे बोलते हैं 5 in 1। हाँ। तो 5 एक्टिविटी का हमने एक मिला जुला बना के रखा है, यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रखी है, तो इसको इसीलिए हमने 5 in 1 नाम दे दिया। सिंगल रोप थी ना, उसमें थोड़ा डर लग रहा था, बाकी हाँ, तो ठीक था। पैरेलल रोप बताया जाता है। थोड़ा नीचे भी झुक के देख रहा था, मतलब नीचे नजर पड़ रही थी। फिर रोप पकड़ते समय थोड़ा सा हाथ भी फिसल रहे थे, थोड़ा डर लग रहा था। थोड़ा सा हमने पेड़ों में बना दिया है ना, तो थोड़ा सा रोमांच और बढ़ जाता है इसकी वजह से। लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे मल्टी एक्टिविटी का रोप पे चलना। और अगर आप आएंगे कैंप में तो ये एक्टिविटी जरूर करिएगा। डर लगेगा लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, पूरी सेफ्टी के साथ ये एक्टिविटी कराई जाती है। कैंप क्राफ्ट में आपको मल्टी एक्टिविटी कराई जाएगी जो हमने की, उसके अलावा आप रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं और जंगल ट्रैकिंग तो आपको हम ले ही चलेंगे। हमारे साथ कृष्णा बिस्ट जी हैं। कृष्णा बिस्ट जी बताएंगे ये परफेक्ट जगह है फैमिली के लिए, अगर कोई प्लान करे या फिर कोई वीकेंड या फिर हफ्ते भर के लिए तो अच्छी जगह है। गांव के पास ही उसको गांव की चीज़ें भी दिखाई देती हैं। बिल्कुल, ये जो हमारा कैंप क्राफ्ट है ये बेसिकली हमने बच्चों के लिए और फैमिली के लिए ही बनाया हुआ है। तो इसमें बच्चों के खेलने के लिए और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए और रहने खाने के लिए एकदम बढ़िया इंतज़ाम हमने किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, तो लगभग 3 से 4 दिन का एक ट्रिप जो होता है वो यहाँ के लिए काफ़ी होता है। तो यहाँ जो चीज़ें हैं, जैसे विलेज ट्रैक है, जंगल ट्रैक है और एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं हमारी, तो हम सभी कुछ वो 3-4 दिन के अंदर हम करवा सकते हैं उनको। चार्ज क्या लेते हैं आप लोग अगर यहाँ पर आए? चार्ज हमारा लगभग 2200 रुपये पर पर्सन का पर डे का होता है, तो जिसमें हमारा 3 टाइम का खाना हुआ और टी हो गया, टी कॉफ़ी जो भी है वो चीज़ें हम सब कुछ होता है। तो बुफे सिस्टम है, तो वो चीज़ें होता है और रहने का, और प्लस उसके साथ जो हमारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं तो वो सब इंक्लूड होता है इसी में सब कुछ। तो बड़े शहरों में तो आप रुके होंगे, नैनीताल, मसूरी या फिर और भी जगहों पे, ऐसी जगहों पे रुकने का अलग ही आनंद है। देखिए हवा कितनी तेज़ बह रही है और एक्टिविटी बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, जब वो आते हैं बाहर, देखते हैं स्कूलों से बाहर, तो इस तरीके के जो जगह हैं गाँव के पास, जब वो मल्टी एक्टिविटी करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर आपको अपने बच्चों को सिखाना है, ऐसी जगह आपके लिए बेस्ट है। आज का ट्रैक है हमारा थकुड़ टॉप और लगभग 3:30 हो गए हैं। हमें सूपी से थकुड़ टॉप जाना है, सनसेट से पहले पहुंचना है ताकि आप लोगों को सनसेट दिखा सके। क्यों गंगदा? गंगदा है, कृष्णा भाई है, चलते हैं फटाफट। पसीना देखिए, खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं ना, तब पसीना हो रहा है। उसके बाद अब ये पूरी जैविक मटर है, ये देखिए, इस समय यही क्रॉप बोई गई है बरसात के बाद। थकुड़ जंगल ट्रैक काफ़ी बेहतरीन है। इसके दो रास्ते हैं, एक तो आप सूपी गांव से सीधा ऊपर आ सकते हैं, यानी खड़ी चढ़ाई चढ़ के। दूसरा छिपा जो गांव है, वहां से एक पूरी बटिया है फॉरेस्ट की, उस पर चलते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत प्यारा रास्ता है। आओ गंगदा, ये देखिए हमारे गंगदा हमारे लिए पानी ला रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि ऊपर पानी नहीं है और कैंप करना है रात को, तो उनके पास मैट्रेस है और पानी है। गप मारते हुए आखिरकार हम थकुड़ टॉप पहुंच गए और लगभग 3:30 बजे चले थे और ठीक 5 बज रहे हैं, तो हम 1.5 घंटे में पहुंच गए। बहुत तेज़ आए तो हमने ज़्यादा रास्ते में जो वीडियो हैं वो नहीं बनाए हैं, कल वापस जब जाएंगे तब बनाएंगे। थकुड़ टॉप इस पूरे इलाके का, यानी रामगढ़, मुक्तेश्वर, धारी, धानाचुली, तमाम इलाके का पूरा सबसे ऊपर का टॉप है और स्थानीय लोगों का यहाँ पर पूजा भी करते हैं, थकुड़ देवता की पूजा करते हैं। ऊपर से बहुत कुछ दिखाई देता है, सुबह जब सूरज की किरण निकलेगी तो सुबह का नज़ारा दिखाएंगे आपको। अभी थोड़ी सी धुंध है, यानी नैनीताल की तरफ भी और इस तरफ जिधर हिमालय दिखता है, तो दोनों तरफ का नज़ारा कल आपको दिखाएंगे। एक बात और आपसे करनी थी कि जो शहर के लोग हैं वो गांव में बसना चाहते हैं और जो गांव के लोग हैं वो शहरों में बसना चाहते हैं, तो ये रिवर्स हो रहा है कि गांव के लोग अपनी ज़िंदगी से शायद उब गए हैं या बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए वो शहर जा रहे हैं और शहर के लोग बेहतर ज़िंदगी को मानते हैं गांव की ज़िंदगी को। क्योंकि बेहतर क्यों है? एटमॉस्फेयर यहाँ का साफ़ है, साफ़ पानी है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। थकुड़ टॉप से सनसेट होने जा रहा है और ये खूबसूरत नज़ारा है। इसे देखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस अगर आप छिपा से चलें तो 3.5 किलोमीटर और अगर आप नीचे काफली यानी सूपी से चलें तो 4.5-5 के आसपास है। वो आपके ऊपर है कि कई रास्ते हैं गांव के, तो जो आपके गाइड होंगे वो किस रास्ते आपको लेके आ रहे हैं। सनसेट और सनराइज़ देखना अद्भुत क्षण होता है, ख़ास तौर पे नैनीताल ज़िले में बहुत सारे पॉइंट हैं जिसमें अलग अलग हैं जो भी टॉप का है, लेकिन थकुड़ टॉप वाकई में सनसेट और सनराइज़ के लिए बेस्ट पॉइंट है। तो अब लेते हैं सनसेट का पूरा नज़ारा। अब अपने लिए हम बसेरा लगाएंगे यानी टेंट लगाएंगे। यहाँ से लगाते हैं, दिख रहा है। ये है हमारा रात का आशियाना। गंगा जी ने हमारे लिए बढ़िया स्वादिष्ट खिचड़ी बना दी है। बन गई खिचड़ी गंगा? हाँ बन गई। ये है आग, अब थोड़ी देर आग सेकी जाएगी और ये बन गई हमारी खिचड़ी। पिछले कई ट्रैक में मैं इस पल का इंतज़ार कर रहा था, यानी जो बोनफायर का आनंद है जंगल ट्रैकिंग में या किसी भी ट्रैक में बोनफायर ये जो और कैंपिंग का वो अपना अलग ही आनंद है। मतलब अगर आप ट्रैक कर रहे हैं किसी भी इलाके में और आपने बोनफायर और कैंपिंग नहीं की तो मतलब जो आपका ट्रैकिंग है वो अधूरा लगता है। तो मेरे जितने भी पुराने ट्रैक थे उसमें इस चीज़ का आनंद नहीं हो रहा था। तो कृष्णा भाई की मदद से थैंक यू कृष्णा भाई, आपने इसका आनंद दिलाया बोनफायर का। और हमारा खाना जो बना है तो गंगा ने खिचड़ी बना दी है। गंगा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ पिछली बार भी गंगा गए थे। गंगा ये बताइए थकुड़ टॉप आपके लिए तो काफ़ी एक पूजनीय स्थान है, आपके देवता यहाँ स्थान है, हम पूजा करने के लिए आते हैं सर। अच्छा, कब होती है पूजा? पूजा भी करते, कभी भी आ सकते हैं। अच्छा, थकुड़ देवता आपके वन देवता हुए क्या है? मतलब वन देवता ऐसा नहीं है कि वन देवता नहीं है, वो हम इष्ट देवता, इष्ट देवता के हिसाब से पूछते हैं उनको। जब भी कीर्तन भजन के हिसाब हुआ तो हम कीर्तन भजन भी करते हैं। थकुड़ टॉप बेसिकली जो मुक्तेश्वर, रामगढ़, धारी जो पूरा इलाका है, भीमताल, नैनीताल, इन पूरे इलाकों का एक सबसे बड़ा टॉप है और इसके आसपास के तमाम जितने भी गांव हैं उनके लिए ये पूजनीय स्थान भी है। तो ये कैंप फायर के साथ अब इसको थोड़ी देर बाद हमको बुझाना भी होगा। शाम जो रात है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 9 बज गया है, क्योंकि इसको अगर बुझाएंगे नहीं और रात को हवा चलेगी और अगर वो हमारे टेंट की तरफ आई या फिर इसकी चिंगारी इधर उधर भी गई तो आग लगने का भी खतरा होता है। तो कैंपिंग जब भी करें, आप जहाँ भी करें, कैंप फायर जब भी होता है या बोनफायर जहाँ भी करते हैं, जब आप सोते हैं तो उसको बुझा देना चाहिए। तो उसको थोड़ी देर बाद जब हम खाना खा के सोने की तैयारी करेंगे तो बुझा देंगे। आप बढ़िए। अरे तुम्हारे मटर कहाँ गए? गल गए शायद। बहुत बढ़िया बनाया, बहुत टेस्टी। नींबू डाल रहे हो? हाँ डाल दिया। जला के गंदा की स्वादिष्ट खिचड़ी जला के खाओ। रात करीब 10 बज गए हैं और हम अब सोने की तैयारी करेंगे। ये हमारा स्लीपिंग बैग है। अभी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है तो इसको ऐसे ही खोल के रखेंगे। तो अब करते हैं आप लोगों को बाय बाय। कंगना बाय बाय कर दो सबको। बाय बाय हो गया बस। गुड मॉर्निंग कंगना। सनराइज होने ही वाला है। थकुड़ टॉप से सनसेट और सनराइज का पूरा नज़ारा आपने देखा। और ये ऐसा टॉप है जहाँ से आप हिमालय भी देख सकते हैं। आपको हिमालय की पूरी रेंज दिखाई देती है, नंदा घुंटी से लेके चौखम्बा से लेके और पूरा नेपाल हिमालय तक। दूसरा जो मैदान का इलाका है यानी हल्द्वानी, भीमताल, नैनीताल की पहाड़ियाँ, मैदानी इलाकों को भी देख सकते हैं अगर मौसम बहुत साफ रहा तो ऐसे टॉप बहुत कम है जहाँ से मैदान और हिमालय दोनों दिखाई देता है। चट्टा अच्छा बकरी हो गई तो इसको चबाना पड़ता है, इसका पानी पिया। हाँ दिखाई दे रहा हाथ में, यह है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा पथरी उतरी होती है जिसको ठीक हो जाता है, ये इससे ठीक हो जाता है। जंगल है ये। जगराड़ वाले नहीं, जगराड़ बोलते हैं इस वाले को। अच्छा जगराड़। जगराड़ सही लगा आपको पूरा जंगल ट्रैक? थकुड़ टॉप एक इजी ट्रैक है। जंगल से होते हुए जब आप टॉप पर पहुंचेंगे तो चारों तरफ का नज़ारा देखेंगे। अगर आप नैनीताल और मुक्तेश्वर घूमने आना चाह रहे हैं या आते हैं और आपको जंगल ट्रैकिंग पसंद है तो थकुड़ टॉप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस पूरे टॉप की जो खासियत है वो हिमालय है और उसके साथ साथ जो आसपास की तमाम सीनिक ब्यूटी हैं वो भी दिखाई देती हैं। पूरा वीडियो और ये पूरी जो जंगल ट्रैकिंग का रास्ता था वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय नंदा, जय माल।